Okay, first is a simple motor is made in a school lab. A coil of wire is mounted on an axle between the poles of a horseshoe magnet as illustrated. In the example above, coil ABCD is horizontal and the battery is connected as shown. For this position, state the direction of force on arm AB. So which rule you will use to find the direction of force on arm AB first? Who will tell me? What will be the direction of force? What will be the rule that you will use to see the direction of force on any of the arms? Yes. How will you see? Yes, students, how will you see that? Yes, Jasleen. Ma'am, with the Fleming's left hand rule. Yes, very good. And what is the direction of force on arm AB using this rule? Fleming's left hand rule. Ma'am, upward direction. It is upward. No, it is downwards. Okay, see how it is CD pe upward. AB में से देखना है ना, तो AB में करंट ऊपर जा रहा है, ठीक है? When positive terminal से वो connected है, AB में करंट ऊपर जा रहा है, आपका field horizontal है, ठीक है? ये करंट ऊपर को जा रहा है, field horizontal है, see the thumb then, this is inwards or downwards, inwards means downwards, ठीक है? So always you have to apply the rule in this way, magnetic field horizontal, ठीक है, और करंट ऊपर जा रहा है, ए बी आर्म जो है ऊपर अज्यूम कर लो, तो सी द डायरेक्शन ऑफ थंब दैट इज इनवर्ड्स और डाउनवर्ड्स. लेट अस सी बी पार्ट. दे आर आस्किंग व्हाई डज द करंट इन आर्म बी सी नॉट कंट्रीब्यूट टू टर्निंग फोर्स ऑन द कॉइल. टर्निंग फोर्स मींस कॉइल. कि हम देखते हैं कि इसका प्रिंसिपल है कि व्हेन करंट इज पास थ्रू अ कॉइल प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड देन अ टॉर्क एक्ट्स ऑन द कॉइल दैट रोटेट्स इट. अब वो टॉर्क हमने देखा था जब हमने वर्किंग की थी कि एक्ट्स ऑन आर्म्स ए बी एंड सी डी. देन आपने भी ये क्वेश्चन नहीं पूछा उस टाइम पे कि देर आर फोर आर्म्स ऑफ द कॉइल ए बी सी डी, सो व्हाई डोंट द आर्म्स बी सी एंड ए डी कॉन्ट्रीब्यूट टूवर्ड्स टॉर्क? व्हाई ओनली ए बी एंड सी डी? व्हाई डिड वी अप्लाई द रूल ओनली टू आर्म्स ए बी एंड सी डी? Yes, Karthik. Ma'am, because the current and the magnetic field is supposed to be perpendicular to each other and not in the same direction. Because the force is perpendicular? Ma'am, because the current and the magnetic field is supposed to be perpendicular to each other and not in the same direction. Any other reason? जो भी फोर्स लग रहा है, बट लग तो रहा है ना, परपेंडिकुलर हो जो भी हो. यस गुरसिमर. यस मैम, क्योंकि मैम फील्ड की डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाएगी. क्योंकि फील्ड की डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी. सीडी की डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाएगी. रिवर्स हो जाएगी. सीडी कौन सी? फील्ड की. फील्ड यानी आपकी आवाज क्लियर नहीं है मुझे. देखिए, दिस इज योर कॉइल ए बी सी डी केप्ट बिटवीन द पोल्स ऑफ अ मैग्नेट. इधर तो हम कह रहे हैं कि फोर्स इक्वल एंड ऑपोजिट है, तो द लाइन ऑफ एक्शन is different. Line of action of these two forces was different because of which it was producing a torque that is rotating the coil. ठीक है, ये था. We are talking about other two sides. अब let us apply the rule. अब current इस तरह से आ रहा है,
लेट्स अप्लाई फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल टू आर्म एसी नाउ, ऊपर वाली आर्म है, ठीक है। तो अब ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये एसी आर्म है, ये आप इमेजिन करो कि ए बी आर्म इज विद द बोर्ड और ये जो कॉइल ए बी सी डी है इसके परपेंडिकुलर ऐसे पड़ा हुआ है। तो एसी में जो करंट है वो आपकी तरफ आ रहा है, मिडल फिंगर इधर की तरफ रखिए, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड ये रहा फोर फिंगर की तरफ, यू कैन सी द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अपवर्ड, और बी डी आर्म में डायरेक्शन ऑफ फोर्स होगी डाउनवर्ड, बिल्कुल ऑपोजिट, क्योंकि सिर्फ करंट रिवर्स हो रहा है यहाँ पे अगर आप इसको इमेजिन करें ऐसे। तो अगर इधर फोर्स ऊपर लग रहा है तो इधर फोर्स बिल्कुल डाउनवर्ड लगेगा, बट यू विल सी दैट दीज टू फोर्सेस विल नॉट बी एक्टिंग अलोंग डिफरेंट लाइंस ऑफ एक्शन, दे आर एक्टिंग अलोंग सेम लाइन ऑफ एक्शन, दिस इज द रीजन, सो दैट्स व्हाई दीज फोर्सेज आर नॉट कॉन्ट्रीब्यूटिंग, द फोर्सेज एक्टिंग ऑन आर्म्स ए बी ए सी एंड बी डी आर नॉट कॉन्ट्रीब्यूटिंग टूवर्ड्स टॉर्क, बिकॉज दीज टू फोर्सेज बींग इक्वल एंड ऑपोजिट दे कैंसल आउट ईच अदर, दे आर एक्टिंग अलोंग सेम लाइन ऑफ एक्शन, ठीक है, जबकि ए बी सी डी के जो फोर्सेज थे देयर लाइन ऑफ एक्शन वॉज डिफरेंट, सो दैट्स वाई दीज टू फोर्सेज वर नॉट गेटिंग कैंसल्ड एंड दे वर प्रोड्यूसिंग अ टॉर्क दैट वॉज रोटेटिंग द कॉइल, दिस इज द रीजन बिहाइंड। अब किसी को रीजन नहीं क्लियर हुआ हो तो पूछ सकते हो, यस यू कैन आस्क द रीजन इफ इट इज नॉट क्लियर, क्लियर है, चलिए शेयर करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और पार्ट, लेट अस सी इट्स और पार्ट। क्वेश्चन है अ सर्किट कंटेन्स अ बैटरी अ वेरिएबल रेजिस्टर एंड अ सोलेनोइड, द फिगर बिलो शोज द मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न प्रोड्यूस्ड बाय द करंट इन द सोलेनोइड, ये आपको सिर्फ पैटर्न बताया गया सोलेनोइड व्हेन इट कैरीज द करंट। क्वेश्चन है स्टेट हाउ मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न इंडिकेट्स रीजंस वेयर द मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्गर, यस कैसे मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न से हमें पता चल रहा है कि कहां पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्गर है, यस हु कैन आंसर, यस कार्तिक, आपकी आवाज बहुत इको कर रही है, इट्स नॉट क्लियर, जसलीन आप बोलो। मैम दिस इज फ्रॉम द मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न वी कैन नो दैट मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्गर नियर द पोल्स बिकॉज नियर द पोल्स द मैग्नेटिक लाइन्स आर क्लोजर टू ईच अदर, यस एग्जैक्टली, सो नियर द एंड्स ऑफ सोलेनोइड मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्गेस्ट बिकॉज वी नो दैट रिलेटिव क्लोजनेस ऑफ मैग्नेटिक लाइन्स गिव्स एन आइडिया अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन दैट रीजन। तो ये आप बताइए पहले कि प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी इज रिलेटिव क्लोजनेस ऑफ मैग्नेटिक लाइंस गिव्स एन आइडिया अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन दैट रीजन, एंड फ्रॉम दिस डायग्राम वी सी दैट क्राउडिंग ऑफ लाइंस इज मैक्सिमम नियर द एंड्स ऑफ सोलेनोइड, सो वी सी दैट एंड्स ऑफ द सोलेनोइड आर दोज लोकेशंस दोज रीजंस वेयर मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्गेस्ट। B part, what happens to magnetic field when current in the circuit is reversed? Obviously, the polarity of solenoid as a magnet will change. North pole behave like south and south pole will behave like north pole now. So, polarity of the solenoid will change. Let us see next question. Question number 11. A part, it would cost a man rupees 3.5 to buy 1 kilowatt hour of electrical unit from the main electricity board, means this is the cost of one unit 3.5 rupees, his generator has a maximum power of 2 kilowatt and the generator produces energy at this maximum power for 3 hours, calculate how much it would cost to buy the same amount of energy from the main electricity board, so this is just of 1 mark,
ओके एक सेकेंड। हाँ जी गुरसिमर बोलो। यस मैम सबसे पहले हम टाइम टू टू आवर्स टू ले लेंगे। टाइम 3 आवर्स है ना। वी विल मैम टेक यस टाइम सॉरी 3 ले लेंगे एंड पावर हम 2 किलोवाट ले लेंगे। यस सो वेरी सिंपल। एंड पावर का एनर्जी फॉर्मूला, निकालेंगे। हाँ पावर का फॉर्मूला यूनिट्स आ जाएंगे। 1 यूनिट की कॉस्ट दी हुई है तो वी विल कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ यूनिट्स कंज्यूम्ड। सो विच फॉर्मूला? पावर इज एनर्जी अपॉन टाइम, क्रॉस मल्टीप्लाई एनर्जी इज पावर इनटू टाइम। सो यूजिंग दिस फॉर्मूला वी विल कैलकुलेट द एनर्जी कंज्यूम्ड बाय द जनरेटर फर्स्ट। इट्स पावर इज 2 एंड टाइम इज 3 एंड यूनिट था पावर का किलोवाट, टाइम का आवर। सो डायरेक्टली दिस इज इन किलोवाट आवर, डायरेक्टली योर पावर इज इन द प्रॉपर यूनिट। आपको किलोवाट में भी कन्वर्ट नहीं करना करना पड़ा, डायरेक्टली यू आर गेटिंग इन किलोवाट आवर। किलोवाट आवर इज यूनिट, सो दिस इज 6 यूनिट्स। सो एनर्जी 21 रुपीज आ रहा है। यस इनटू हम कितना कर देंगे 3.5। यस so cost of 1 unit that is given in the question rupees 3.5. so cost of 6 units will be 6 into 3.5 rupees. how much is that? ₹21. so that is ₹21 कॉस्ट ऑफ बर्निंग 6 units। मतलब क्वेश्चन अंडरस्टैंड करिए कि एक यूनिट की कॉस्ट दी हुई है, एक मैन है, उसके पास एक जनरेटर है, इतनी वॉटेज है और एक दिन में 3 घंटे के लिए ऑपरेट होता है, तो सिर्फ जनरेटर चलाने का कितना बिल आएगा उसका? ठीक है, तो आपने वो कैलकुलेट कर दिया, ₹21 है। एक दिन चलाने के लिए, ठीक है, एक दिन चलाने में उसके ₹21 स्पेंड होंगे, तो आप उसको नंबर ऑफ डेज से मल्टीप्लाई करके उस मंथ का बिल भी निकाल सकते हो। लेट मी शेयर नेक्स्ट क्वेश्चन बी पार्ट। अ स्टूडेंट बॉइल्स वाटर इन एन इलेक्ट्रिक कैटल फॉर 20 मिनट्स। यूजिंग द सेम मेन सप्लाई ही वांट्स टू रिड्यूस द बॉइलिंग टाइम ऑफ वाटर। To do so, should he increase or decrease the length of heating element? Justify your answer. Yes. अब उसको क्या ये जो टाइम बॉइलिंग टाइम कम करना है, इज इट रिलेटेड इन सम वे टू द लेंथ ऑफ कॉइल? एनी गेसेस अबाउट इट? एनी आइडिया अबाउट इट? यस उसको लेंथ ऑफ कॉइल कम करनी चाहिए। ही शुड डिक्रीज द लेंथ ऑफ कॉइल। व्हाट इज द रीजन? बिकॉज इफ वी वांट दैट द वाटर शुड बॉइल इन लेस टाइम इन द सेम कैटल, देन उसकी पावर हमें इंक्रीज करनी पड़ेगी। ठीक है, पावर मींस रेट ऑफ हीट प्रोडक्शन वी हैव टू इंक्रीज। फॉर द मेन्स सेम मेन सप्लाई वी विल यूज दिस फॉर्मूला फॉर पावर। सो टू इंक्रीज पावर resistance should be decreased, and since resistance is directly proportional to length of the coil, to decrease the resistance length should also be decreased. So the length of that heating element, it should be reduced if we want to decrease the boiling time taken by the water in the kettle. ठीक है, देख लीजिए कोई डाउट इसमें, इफ यू हैव एनी डाउट। यस स्टूडेंट्स देख लीजिए कोई डाउट है तो। वेरी गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
Yes. Question number 12. This circuit is given. In above circuit, if current reading in the ammeter is 2 ampere, what would be the value of R1? Okay, let us do this part first. What is the value of R1 we have to find? Volt, 2 ampere, 6, 6, 5, 10. तो R1 निकालना है if reading of emitter has been given to us. करिए अपने सॉल्व करिए. I am also doing on the board. You also do side by side. See, अब जब कोई आपको पॉइंट्स नहीं दिए होते कि वेयर यू हैव टू फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, देन बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ बैटरी यू हैव टू फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. एंड आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू द टिप दैट वी शुड स्टार्ट फ्रॉम द ऑपोजिट एंड. सो सबसे ऑपोजिट एंड पे आइए, ये दोनों पैरेलल में, उससे नेक्स्ट में आइए, ये तीनों पैरेलल में अनडाउटेडली. तो पहले हम इन तीनों का पैरेलल में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं. लेट अस कॉल इट आर डैश. So 1 over R dash is 1 over 5 plus 1 over 10 plus 1 over R1. पहले इन दोनों का सॉल्व कर लेते हैं. LCM लेंगे. 2 plus 1 over R dash. ठीक है, किसी को इसमें डाउट है तो पूछ लो. यहां तक देखो, अभी हम सिर्फ लास्ट वाले थ्री रेजिस्टेंसेस जो पैरेलल में उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं. इन्वर्ट कर दीजिए, वो आ गया आपके पास R dash. 10 R1 over 3 R1 plus 10. अब मतलब यहां तक आपने रेजिस्टेंस निकाल लिया, ये आ गया. ठीक है, अब उसके साथ ये वायर एक ही, वन वायर, दिस इज ओनली वन वायर, तो दिस दिस एंड दैट रेजिस्टेंस आर इन सीरीज, एक ही वायर में, तो 6 और 6 उसके साथ ऐड कर दीजिए. वी गेट द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, 6 plus 6 plus R dash. सो दैट इज 12 plus 10 R1 over 3 R1 plus 10. दिस इज रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट. यहां तक हमने कर लिया. आफ्टर दैट R is also in the circuit, V over I. What is V? 30 and what is I? 2. So 15 ohm ka aapka resistance vaise hai pure circuit ka. So equate this to this. 12 plus 10 R1 over 3 R1 plus 10 equal to 15. Chaliye, solve kariye and tell me what is R1. तो वो आपका R1 आ जाएगा यहां से. आंसर सॉल्व करिए एंड टेल मी द आंसर. यस, सॉल्व दिस इक्वेशन. 10 R1 over 3 R1 plus 10 equal to 15 minus 12 equal to 3 हो गया. देन यू क्रॉस मल्टीप्लाई. आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यू सॉल्व दैट एंड फाइंड R1. चलिए, वेटिंग फॉर योर आंसर. हाउ मच विल बी R1 नाउ? Yes, Amrit. 30 ohm. 30 ohm. Yes, answer is 30 ohm. See the calculation once. So, yahan se aagya aapka.
So R1 is 10 minus 9 R1, that is R1 equal to 30. So R1 equal to 30 ohm here. See this. अब इसका और वाला पार्ट करते हैं. लेट अस डू द और पार्ट. अगेन देयर इज अ सर्किट गिवन. वी आर टू सिंपली फाइंड टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट एंड टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट. ठीक है, लेट मी नोट डाउन द सर्किट वंस. आप भी करिए सॉल्व. आई एम ऑल्सो डूइंग इट हियर. Twenty-four volt, 7 ohm, 10 ohm, 4 ohm, and 6 ohm. Just this is the circuit given. Okay. So again, between these two terminals, you will come in the end. So start from the farthest end. Start from these two points. So आप देख रहे हो कि 6 and 4 they have been connected in the same wire. These two are in series. So 6 per 4, 6 plus 4 कितना हो गया? 10. इन दोनों की जगह आपका एक resistance आ गया 10 का. 6 plus 4, 10 हो गया. ये 10 already था and this was your 7. Now across these two points, 10 and 10 they are connected between same two points. So 10 and 10 they are connected in parallel. इनका कितना हो गया 10 इंटू 10 ओवर 10 प्लस 10 5. तो इन दोनों के प्लेस में यू गेट अ सिंगल रेजिस्टेंस ऑफ 5. योर सर्किट रिड्यूसेस टू दिस 7 5 और बस ये रहेगी बैटरी. ठीक है, नाउ बिटवीन दीज टू पॉइंट यू कैन सी ये एक ही वायर है. सो 7 एंड 5 आर ऑल्सो इन सीरीज. So the resistance of the circuit is 12 ohm. Total resistance of the circuit we have found. Any point which is not clear, you can ask here first. So resistance of the circuit is 12 ohm. Is that clear? हाँ जिया बोलो. यहां से पता चला आपको? आप पहले इन दोनों पॉइंट्स में देखते हो ये दोनों एक ही वायर बेंड करके लगाई हुई है. तो 6 एंड 4 दे आर इन सीरीज. इनका हो गया 6 प्लस 4 10. दिस इज दैट 10. ये 10 बना दिया मैंने. अब अगर इन दोनों पॉइंट्स को देखो तो ये 10 ओम भी इनमें लगा हुआ है, 10 ओम भी इनमें लगा है. ये दोनों पैरेलल में बिकॉज दे हैव बीन कनेक्टेड बिटवीन सेम टू पॉइंट्स. ठीक है, 10 और 10 का पैरेलल में आ गया 5. तो अब आपका सर्किट बन गया 7 और यहां आ गया 5. अब ये भी एक ही वायर है जो बेंड करके लगी हुई है. इसका मतलब दीज टू आर ऑल्सो इन सीरीज. सो 7 प्लस 5 12 ओम इज द रेजिस्टेंस ऑफ दिस सर्किट. इज इट क्लियर नाउ? ओके, सो नाउ वी कैन फाइंड करंट फ्लोइंग इन द सर्किट. I इज इक्वल टू वी ओवर आर 24 ओवर 12, 2 एम्पियर. सो द करंट फ्लोइंग इन दिस सर्किट इज 2 एम्पियर. So just two things were asked, total resistance of the circuit and total resistance of the current of the circuit. Is that okay? Simple hai ye dono questions. Isse to kahin zyada acche questions ki practice ki hai humne. Next dekhte hain. Ye dekhiye, 4 marks ka question hai section C mein. एक बायो का आना है, एक फिजिक्स का आना है. दो ही क्वेश्चन है इसमें. 15. अंसारी सर वाज डेमोंस्ट्रेटिंग एन एक्सपेरिमेंट इन हिज क्लास विद द सेटअप एज शोन इन द फिगर. अ मैग्नेट इज अटैच्ड टू अ स्प्रिंग. उन्होंने ऊपर एक स्प्रिंग के साथ मैग्नेट अटैच कर दिया. द मैग्नेट कैन गो इन एंड आउट ऑफ द स्टेशनरी कॉइल. ही लिफ्टेड द मैग्नेट एंड रिलीज्ड इट टू मेक इट ऑसिलेट थ्रू द कॉइल.
Based on your understanding of phenomena, answer the following question. What is the principle which Ansari sir is trying to demonstrate? Yes, kaun batayega? What is the principle? कौन सा प्रिंसिपल है ये? कौन सा एक्सपेरिमेंट है? विच एक्सपेरिमेंटल सेटअप इज देयर? फैराडेज एक्सपेरिमेंट नहीं है ये? और प्रिंसिपल कौन सा हुआ फिर? ईएमआई. सो प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज देयर. आई वॉन्ट बी अनम्यूटिंग यू बिकॉज लेस टाइम इज लेफ्ट. लेट वी हैव टू कंप्लीट दिस. सो ईएमआई एंड फैराडेज एक्सपेरिमेंट बी पार्ट. व्हाट विल बी ऑब्जर्व्ड when the magnet starts oscillating through the coil? Explain the reason behind this observation. ab jab magnet oscillate karta hai to hamari observation ye hai ki there will be a deflection in the galvanometer. c part hai, consider the situation where the magnet goes in and out of the coil. state two changes which could be made to increase deflection in the galvanometer. ab hum kya kar sakte hain ki galvanometer mein zyada deflection aaye? दो चीजें पूछी हैं उन्होंने. एक तो बाय मूविंग द मैग्नेट फास्टर वी कैन डू दिस. ज्यादा डिफ्लेक्शन तभी होगी जब मैग्नेट को ज्यादा स्पीड से हम मूव करेंगे. सेकंड थिंग बाय इंक्रीजिंग नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल. तो उससे मैग्नेट स्ट्रांग बनेगा और इसलिए इंड्यूस करंट भी स्ट्रांग प्रोड्यूस होगा. ठीक है, तो दो चीजें आप क्या कर सकते हो. यू कैन इंक्रीज द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल. स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड होगा तो इसलिए इंड्यूस करंट की स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगी. और पार्ट है सी का ही. और पार्ट है इज देयर एनी डिफरेंस इन ऑब्जर्वेशंस इन द गैल्वेनोमीटर व्हेन द मैग्नेट स्विंग्स इन एंड देन आउट ऑफ द स्टेशनरी कॉइल? यस, देयर इज अ डिफरेंस. सपोज इफ इन द फर्स्ट केस डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर इज इन वन डायरेक्शन, देन इन द सेकंड केस व्हेन इट इज मूव्ड आउट ऑफ द कॉइल द डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन रिवर्सेस. सो यस, देयर इज अ डिफरेंस इन डायरेक्शंस ऑफ डिफ्लेक्शन इन बोथ द केसेस. तो डिफ्लेक्शन ऑफ डायरेक्शन डिफ्लेक्शन की जो डायरेक्शन है वो डिफरेंट है दोनों केसेस में. अगर सपोज कर लो कि जब हम मैग्नेट को इन मूव कर रहे हैं, सपोज द गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन इज टुवर्ड्स लेफ्ट, देन इट विल बी टुवर्ड्स राइट व्हेन वी स्टार्ट टेकिंग इट आउट ऑफ द कॉइल. ठीक है, तो बोथ द थिंग्स आर क्लियर टू यू? कोई डाउट इसमें तो पूछ सकते हो बच्चे. So we have discussed latest CBSE sample paper for term 2 and pattern must be clear to you now ki there is no MCQ, no assertion reason question. Theek hai, is pattern ka hoga 2 marks ke question hai.